दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको अपने कस्टमर को एक बिल देने की ज़रूरत पड़ती ही है। अब एक्सेल के द्वारा आप इस तरह का बिल खुद से कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इस वीडियो में आप सीखेंगे। और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप इस तरह का बिल डिजाइन खुद से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो करेंगे हम लोग कि यहाँ पर इसको पेज में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं पेज लेआउट में। जैसे क्लिक करते हैं तो हम लोग का इस टाइप का ऑप्शन दिखता है, पेज जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो हम लोग को अब फिर से दोबारा यहाँ दबाना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो है एक बीच में लाइनिंग दे देता है ऐसा। उस लाइनिंग से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों का जो एक पेज है कितना दूर तक है। तो हम लोग जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये एक पेज है इधर वाला, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज। इस तरह से हम लोगों का ये जो सीट है, एक्सेल में पेज को सीट कहा जाता है, तो ये एक सीट में बहुत सारे पेज यहाँ पर नज़र आने लगते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक पेज में यहाँ पर बनाना है इनवॉइस को। इनवॉइस मतलब बिल को बनाना है। बिल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से चालू करेंगे हम लोग। इतना काम हो गया है। ऊपर का अभी कुछ सेट नहीं करेंगे। पहले ये जो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, ये रेट जो दिखता है, इसी को पहले सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले सेलेक्ट करते हैं हम लोग और इसी को साइज में बड़ा करते हैं। कितना, 16 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको बड़ा कर रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर्स में सामान का नाम रहता है। ठीक है, ये ज़्यादा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। क्वांटिटी को भी बड़ा कर दे रहे हैं, दिखने लगेगा। रेट और अमाउंट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इतना। इसको और थोड़ा कर देते हैं। हाँ, अभी ठीक है। अब अगला काम जो बचेगा वो क्या है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं और सेंटर भी कर देते हैं। पहला काम हम लोगों को यही करना है। ठीक है, अगला काम जो बचा वो हम लोगों का रहेगा कि हम लोग अब यहाँ से काम चालू करेंगे। कितना दूर तक करना है वो पता चल गया। ठीक है, यहाँ एक जो दिख रहा है कॉलम को वो हम लोग छोड़ देंगे, एक कॉलम को आगे का नहीं करेंगे हम लोग। मतलब ये अमाउंट यहाँ सटा हुआ नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा होगा वो पता चलेगा तुमको बाद में। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, इनवॉइस तक हम लोग अब यहाँ से जाएंगे और मर्ज अक्रॉस को दबाएंगे। इसको दबाएंगे, उससे क्या होगा, ये जो है बीच में जो कॉलम जो दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज जो है बढ़ाना होगा हम लोगों को ऐसे। ठीक है, साइज बढ़ा दिए। अब 16 कम से कम तो रहना ही चाहिए, बाद में फिर इसको घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये वाला फॉन्ट स्टाइल, इसको हम लोग कोई दूसरा फॉन्ट दे देते हैं। चलो ये दे दिए, बोल्ड कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेंटर में। ठीक है,
ये जो है अब हम लोग इसको बोल्ड कर दे रहे हैं और सेंटर में कर दे रहे हैं, ये भी ठीक ही है लगभग लगभग। इनवॉइस को तो हम लोग को करना पड़ेगा बोल्ड, और साइज में भी बड़ा करना पड़ेगा इसको, और थोड़ा इसका ये भी चेंज कर दे रहे हैं और सेंटर भी करना पड़ेगा। अब ये तीनों का रह गया बाकी, इसका भी साइज जो है हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। अभी 11 है देखो, पहले बढ़ा लेना, बाद में डेट को चढ़ाना, ठीक है? नहीं तो अभी डेट करेंगे ना तो इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सीधे साइज को 16 करेंगे, इतना तो पता चल गया। अब हम लोग का डेट जो रहा यहाँ पर दे देंगे, क्लियर हो गया? तो तुरंत बनेगा, अभी पहले मत देना। तो डेट को हम लोग अब यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ से, हाँ, पहला नंबर से यहाँ तक इनवॉइस नंबर जो है बोल्ड भी करना होगा, और इसको ये करेंगे मर्ज अक्रॉस, ठीक है ना? इसको भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ऐसे इसमें डेट में एक और चीज़ दे देना, ये इनवॉइस नंबर में भी दे सकते हो, ये दे देंगे, और नेम में भी दे देते हैं वही चीज़, एड्रेस में भी। चलो इतना काम हो गया है। अब क्या करेंगे, ये नेम और एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, अमाउंट जहाँ तक है वहाँ तक, और उसके बाद में फिर से इसको मर्ज अक्रॉस, समझ में आया इतना? ठीक है, अब अगला काम जो रह गया हम लोगों का, ये दोनों को भी बोल्ड कर देना है, ठीक है? इतना काम हो गया। अब बचा हम लोगों का नीचे का, नीचे प्लस प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस कर देते हैं तो पता चलेगा, ठीक है? अब हम लोग का यहाँ से यहाँ तक तो 16 कर चुके थे हम लोग, लेकिन नीचे वाला तो छोटा छोटा ही रह गया, तो हम लोग इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो पूरा नहीं करना है, इतना ही कर लेते हैं अभी, और इसको हम लोग 16 करके देखते हैं। देखो 16 करने से पार हो रहा है, हाँ बॉर्डर बांध बनाएंगे, अभी छोड़ देते हैं। देखो 16 करने से इतना आ गया, ठीक है? तो हम लोग ये जो बाकी रह गया था इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम लोग, खैर करना है तो तुम लोग कर दो 11, हम लोग का ज़रूरत इतना ही तक है क्योंकि प्रिंट तो इतना ही होगा। अब हम लोग का जो बच गया, हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ से लिखेंगे, पहले लिखेंगे टोटल, टोटल SGST CGST ग्रैंड टोटल, हाँ यहीं से लिखेंगे। चलो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा तुम लोगों को, टोटल और बच गया ग्रैंड टोटल, ठीक है? या हम लोग नेट भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम हम लोग कर चुके हैं, दो तीन लाइन, दो तीन लाइन के बाद सिग्नेचर। इतना काम हो गया, इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो हम लोग बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से ग्रैंड टोटल पूरा दिखेगा। हाँ इतना क्लियर हो गया, बोल्ड कर देते हैं ताकि दूर से दिखे। सिग्नेचर का जो काम है यहाँ से यहाँ तक बीच में रहेगा, ठीक है? तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और बोल्ड भी कर देंगे, ठीक है? चाहे तो हम लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे, और बाकी रह गया यहाँ से यहाँ तक खाली जगह दे देंगे, ठीक है? खाली जगह दे देंगे मर्ज एंड सेंटर, तो यहाँ बिल्कुल खाली रहेगा। अब बाकी जो बच गया, अब क्या करना है ध्यान से देखो,
पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही साथ घेर लेते हैं, ठीक है? एक ही साथ घेर लिए और दबा देंगे हम लोग ऑल बॉर्डर यहाँ पर। देखो एक ही बार हो गया सबका काम, और ये जो बच गया इसको अलग से करेंगे ऑल बॉर्डर। बस अभी जो देखोगे तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। देखो इसमें एक और चीज़ कर लेना तुम लोग, यहाँ जो है पहले ही सेलेक्ट कर लेना। सेव करने से पहले हम बता देते हैं क्या करना है, छोटे छोटे चीज़ हैं। यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेना यहाँ तक, और इसको सेंटर में पहले ही दबा देना, बोल्ड में पहले ही दबा देना। उससे क्या होगा, जो भी लिखाएगा पहले से सेंटर में लिखाएगा, बोल्ड रहेगा। हाँ यहाँ पर भी हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको भी कर देते हैं हम लोग सेंटर में और बोल्ड। हाँ बस अब हम लोग जो भी लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है? अच्छा उसको सेव कर लेते हैं पहले, सेव। डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है। अब हम लोग इसमें जो भी काम करेंगे ना बाद में करेंगे, जैसे वन लिखे, नीचे टू लिखे, इधर चले गए हम लोग, मान लो यहाँ पर कुछ भी दे दिए हम लोग, पहले से लिखा रहा है देख लो, इसमें हम लोग दे दिए मान लो, ऐसे दे दिए। क्वांटिटी मान लो यहाँ पर ले लिए दो, इसका दाम मान लेते हैं 135, और इसमें हम लोग दे दिए सेरिडॉन का मान लो 35, इस ओ हो 35 नहीं, यहाँ मान लो 3 दे दिए, और इसका 35 एक पत्ता का। अब ऊपर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है? तो इक्वल टू करना होगा, और यहाँ पर लिखना है C10, मतलब इसको क्लिक कर देना और यहाँ स्टार लगा देना। उसके बाद यहाँ रेट को मल्टीप्लाई करके बस नीचे उतर जाएंगे हम लोग ऐसे। बाद में नीचे वाला जितना रहेगा उसको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और इसा यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ देखो प्लस जो है, अभी इधर जाएंगे तो हम लोग का मोटा आ जा रहा है प्लस, जैसे यहाँ पर कोना में जाएंगे तो देखोगे यहाँ पर प्लस पतला हो जाता है, उस समय इसको खींचेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर का फॉर्मूला नीचे ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का सम यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है और इक्वल टू करके हम लोगों को लिखना होगा सम करके, नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे हम लोग कि हम लोग यहाँ पर क्लिक किए और हम लोग इसको प्लस कर दिए और यहाँ पर इसको दबा दिए, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अब नीचे उतर गए, अच्छा इंटर दबा दिए, देखो ऐसे। अब उसके बाद इसका जो है हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये है हमारा 12% वाला, तो 12% यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो 12% में 6% 6% अलग अलग यहाँ पर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर 6% करेंगे तो इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे टोटल का 6%, मतलब इसका 6%, ये है E25 इंटू कर लेंगे और 6 के बाद परसेंट ले लेंगे, बहुत इजी है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर CGST भी हम लोगों को उतना ही करना पड़ेगा, इक्वल टू और इसका 6%, बस हो गया। नीचे उतर जाओ और ये तीनों का सम हम लोग नीचे लिखेंगे ग्रैंड टोटल में, तो यहाँ पर हम लोग ऑटो सम भी कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो ऑल्ट इक्वल टू दबाएंगे तो भी काम हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, 6-7 तरीके तुम लोगों को बताया भी गया है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से दबा देंगे, 420 रुपये यहाँ पर हो गया है, ठीक है? और बाकी तो सिग्नेचर यहाँ पर कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का एक्चुअल बिल।